नगर जनपद में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पर हुए हमले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। डॉक्टर संजय निषाद ने हमले का सीधा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने इसे साजिश करार देते हुए कहा कि यह सब डॉक्टर संजय निषाद का ही कराया धराया है, उन्हें ही हार के डर से अपने लोगों से अपने ही ऊपर हमला कराया, जिसकी उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। संजय निषाद जी धरने पर बैठे थे, धरने पर खुद बोल रहे हैं, उनके बोलने के दौरान ही वो चीज़ें कह रहे हैं जिसमें जिन यादों पर वो आरोपित कर रहे हैं वो यादव वहाँ थे ही नहीं, वो उनका कहना था 2-3 घंटे पहले चले गए थे। अब सवाल ये उठता है कि रात में मंत्री जी जाते हैं, पूरा फौज फाटे से जाते हैं और अपने स्वजातीय के यहाँ जाते हैं, उनका स्वागत उनकी पार्टी के लोग और उनके स्वजातीय लोगों को करना था, दूसरे लोग दूसरे पार्टी के मंत्री के यहाँ मंत्री के पास 1 बजे रात में क्यों जाएंगे? पूरे तौर पर इनका रचा हुआ ड्रामा है और उस रचे हुए ड्रामे में वो खुद फंस गए हैं। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि गहराई से जांच करे कि संजय निषाद जी ने ड्रामा क्यों रचा, कैसे रचा और किन लोगों के द्वारा इनसे सवाल पूछा गया जिसको ये पीटे और उस पीटने के दौरान संतुलन बिगड़ने से इनका चश्मा इनके नाक में धंस गया। ये जांच होने का विषय है और जांच करके और उचित कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए। उनका आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर है कि उनके आदमियों ने हमला किया। वो समाजवादी पार्टी पर आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि निषादों ने समाजवादी पार्टी का साथ पकड़ लिया है और जनाधार उनका खिसक गया है। जनाधार खिसका कहाँ, समाजवादी पार्टी में चला गया है। तो गोरखपुर में भी काजल निषाद के साथ निषाद समाज खड़ा है और लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद के साथ संत कबीर नगर में खड़ा हो गया है। इसलिए जब अपना जमीन खिसकती देखे तो उन्होंने ये ड्रामा रचा ताकि कुछ सहानुभूति हो जाए और उस सहानुभूति के तहत कुछ निषाद साथी हमारे साथ आ जाए।